मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें तसल्ली कैसे दूं। मुझे तो यही नहीं पता कि मुझे तसल्ली की जरूरत है भी या नहीं। अब क्या करोगे? अगर अम्मी और आप ही को ये बात पता चल गई तो एक हंगामा उठेगा। जितना हंगामा होना था हो चुका, जितना तमाशा बनना था बन चुका। बरसलान की जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं रही। मम्मी जो चाहती थी ना, हर सलान ने वैसा ही किया। मम्मी के सामने प्लेट में रख के उनको पेश कर दिया सब कुछ। सामिया, फिर ये तो कोई मसले का हल नहीं है। ठीक है, तुम ही बता दो मसले का क्या हल है। हर सलान उससे मोहब्बत करता है तो सिर्फ आरजी तौर पर उसकी जगह पुर कर रही थी। अब वो आ गई और अपने पूरे हक के साथ आई। और सलान की जिंदगी से मुझे चुटकियों की तरह बाहर निकाल कर फेंक सकती। क्या तुमने हार मान ली? जीतने का तो कोई सबब ही दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें अरसलान भाई से बात करनी चाहिए। चीखो, शिकवा करो उनसे। वो ऐसा नहीं कर सकते तुम्हारे साथ। अरसलान जो कर सकते थे वो कर चुके हैं। लुबना, शिकवा तो अपनों के साथ किया जाता, गैरों से कैसी शिकायत। अगर आज मैं मां बनने वाली ना होती तो मुझे ये खबर तलाक के साथ ही सुना चुकी होती। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ नहीं करना तो ऐसे ही चुप कर कर बैठ। पर मैं नहीं चुप रहूंगी। ऐसे थोड़ी कोई कर सकता है। लुबना,